नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और इन इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कभी हाथ पर, कभी हिप पार्ट पर लगाता है और कभी कंधे पर लगाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो इंजेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से उनको लगाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जेनी एजुकेशन के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बात करते हैं इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। जो ज़्यादातर इंजेक्शन होते हैं वो इंट्रावीनस रूट के थ्रू लगाए जाते हैं। इंट्रावीनस मतलब ऐसे इंजेक्शन जो कि वेन्स में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट या फिर आपने देखा होगा ड्रिप वगैरह आपको चढ़ाई जाती हैं, तो वो इंट्रावीनस रूट के थ्रू ही लगाई जाती हैं, जो हाथ में लगाई जाती हैं। यहाँ पर वेन जो है आसानी से विजिबल हो जाती है, दिख जाती है। इसलिए जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो हाथ में लगाए जाते हैं और ये 25 से 35 डिग्री के बीच में लगाए जाते हैं। दूसरा इंजेक्शन है इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, IM इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन जो कि मसल्स में लगते हैं, मांसपेशियों में लगते हैं। ये इंजेक्शन कंधे पर भी लगाए जा सकते हैं, डेल्टॉइड मसल में, और हिप पार्ट पर भी लगाए जा सकते हैं, कमर से नीचे। ये इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर लगते हैं। अब देखिए, त्वचा की चार लेयर होती हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती हैं, फिर उसके नीचे डर्मिस, और तीसरी लेयर आती है सबक्यूटेनस टिश्यू, और चौथी लेयर आती है मसल। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होंगे वो मसल्स में लगेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। अब बात करते हैं सबक्यूटेनस इंजेक्शन के बारे में। ऐसे इंजेक्शन जो कि सबक्यूटेनस टिश्यू में लगते हैं, जो त्वचा की तीसरी लेयर हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनस टिश्यू। तो जो सबक्यूटेनस टिश्यू में इंजेक्शन लगेगा वो सबक्यूटेनस इंजेक्शन होगा। ये इंजेक्शन जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर लगते हैं। इसके अलावा और भी इंजेक्शन हैं, जैसे कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो कि त्वचा की सेकेंड लेयर में लगते हैं, डर्मिस में, उनको इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं। और ये इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री के बीच में लगते हैं। तो इंजेक्शन जो हैं वो तीन तरीके होते हैं, और इसके अलावा बात करें तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी हैं। तो ये इंजेक्शन होते हैं और इनको लगाने की टेक्निक क्या है उनका वीडियो भी हमने पहले ही बना लिया है। ऊपर आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कौन सा इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।